किसान भाइयों नमस्कार। टैग किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो बिल्कुल विशेष बता रहे हैं, विशेष ही जानकारी आप लोगों को देंगे। ये सामने की तरफ से हमारे भांजराज आ रहे हैं और इन्हें हमने बरसी बोई थी सर्दियों में। इन्होंने पूछा था कि क्या करा जा सके, क्या बोई हो सके कि गन्ना भी टाइम से बूझा और ज़मीन को लाभ मिले। तो इन्हें हमने रिकमेंड करी थी भाई आप बरसी बोलो, तो बरसी भी आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं बैठ के दिखाऊं, करीब 2 फुट के करीब ऊंची बरसी हो रही है। पहिया देखो कहाँ चल रहा, बम्पर पे भी बरसी अड़ रही है। तो ये मशवरा मैंने इन्हें दिया था और अब ये जो बरसी इन पर खुआएगी दूसरी साइड से खुआ ली इन्होंने। अब ये बरसी को हरी खाद के रूप में यहीं पर जोत रहे हैं। देखो भाइयों फर्स्ट क्लास काम चल रहा है और कल ये बुआई कर रहे हैं गन्ने की, ठीक है भाइयों। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है हरी खाद के भी अपने ही लाभ है सर्दियों में अगर जोत रहे हो, क्योंकि गोबर की खाद से भी लगभग पूर्ति करनी मुश्किल हो रही है। वजह पशु कम है और खेतों में घोड़ा भी कम है, ये भी सच्चाई है। तो आजकल की जो नई नई वैरायटी आ रही है, एक आधी वैरायटी को छोड़ने के बाद में तो घोड़ा भी नहीं है। 35 पे घोड़ा बढ़िया है वैसे, केवल आज की स्थिति में नई वैरायटी के बारे में बताऊँ। 18 पे भी पुरानी में थोड़ा सा लेके चलूँ तो 18 में अच्छा घोड़ा हाथ लग रहा, हरा चारा जिसे बोलते हैं पशुओं के लिए। तो गोबर की खाद इतनी पॉसिबल है नहीं, तो अब किसान कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन चाह रहा है। ऑप्शन के तौर पे अगर इस तरह की चीज़ें लेके आ रहा है, अब इन्होंने रोटरी कढ़वाई थी, शायद मेरे ख्याल से एक रोटरी कढ़वा रखी थी इसमें केवल, उसके बाद में बरसी बिखेर दे रही है। कह रहे थे कि खेत की जुताई करनी बारंबार, इससे बढ़िया बताओ कोई ऑप्शन ऐसा दो ज़मीन में भी जान बने। और इनकी ज़मीन थोड़ी डाढ़ल की है, डाढ़ल की बोलते हैं, हार्ड ज़मीन है बिल्कुल इनकी, और इसका हार्डपन सा थोड़ा सा टूटे और ज़मीन में भी अच्छे प्रभाव चले। कुल मिला के बरसी में अब तक जिसके भी रिजल्ट रहे, बरसी का गन्ना जिसने भी लगाया, वैरायटी भली कोई हो, शानदार वाला जमाव मिलता है, ज़मीन फुक्की बनी रहे और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ज़मीन ऑक्सीजन लेती है, ठीक है ना, तो वो भी ज़्यादा प्रभावी है। ऑर्गेनिक मैटर कहीं ज़्यादा चल जाएगा, ह्यूमस भी अच्छा बनेगा, जीवाश्म कार्बन इसमें बढ़ गया, कुल मिला के बायोमास का एक अच्छा खासा स्रोत इसमें जा लिया। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके होने वाले हैं ज़मीन कुल मिला के। और 2 या 3 बार जोतने के बाद में फिर ये रोटरी या टीला वगैरह निकाल लेंगे, तब जाके ये बिल्कुल मल्च हो जाएगा इसके अंदर, और मल्च होने के बाद में इसके बाद में इसमें खुर निकलेंगे, ठीक है भाइयों। तो ज़मीन की उर्वर क्षमता बढ़ेगी और पीएच भी मेंटेन हुआ, मेन पार्ट ज़मीन का पीएच ही होता है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर अगर घटरा बढ़ रहा है उस पर डिपेंड है, तो ऑर्गेनिक मैटर में भी सुधार होगा, यानी कि जीवाश्म कार्बन ज़मीन का होता है उसमें भी बढ़वार होगी। रुक जा रुक जा, ये देखो अब रुक जा, अब तसल्ली में, अब लाइव नहीं है वैसी वीडियो, अब तसल्ली में होगी। महिंद्रा 265 DI, और क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक। हाँ जी आप बताओ। नो बताओ, यो मतलब बरसी बोई जैसा है, मतलब क्या आता मशवरा? आपने दिया था? हाँ दिया था, रोटी कटवाई थी बस एक। हाँ एक रोटरी निकलवा के और बीज बघेर देता पानी। अच्छा जमीन की कंडीशन कैसी है बता मुझे पहले। ये थोड़ा हार्ड जमीन है। हार्ड है ना, डले पड़े बने इसमें? ज्यादा डले नहीं लेकिन मतलब थोड़ी हार्ड, नीचे की तरफ तो ज्यादा मामला कर देता, उधर तो राखिया घेर दी इसमें। अच्छा बता मुझे, तो बरसी बोई एक बार में समझ में आ गई थी? हाँ एक बार में बो देता, मोथा भी कहा था मैंने, मोथा बोले आप मिथ्या, पर वो अप्रैल तक चले जाता है इसलिए नहीं बोया, मगर एक आधी कटिया खुआ भी लेंगे डंगरों को। हाँ डंगरों का चारा भी चाहिए, जितने खुआएगी तेरे पास आधी में ना खुआएगी, ये तो जरा सी, ये तो कुछ हम ले जाते, कुछ ठेकेदार ले जाता काट के, जब भी नहीं खुआएगी। कितना खेत होगा, 3.5 कितने? हाँ 3.5-4 बीघे, 4 बीघे। यही आइडिया में लगा रहा था, 3.5-4 बीघे लगभग ही होगा। तो क्या क्या चीजें होगा इससे बरसी से, क्या क्या हो? पहले बोया बुरसे कभी? पहला बोया बहुत तगड़ा ही होगा। हाँ जी जानकारी में तो इसका मतलब, तो कुल मिला के बढ़िया हो, मजबूत। क्या क्या चीजें हो जमीन में, कौन सी क्रिया हो, कुछ जानकारी में हो? नहीं है वो नहीं, कुछ हमें बता भी। देख ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, ऑक्सीकरण की क्रिया बढ़ गई, कुल मिला के जमीन फुक्की रहेगी, भुरभुरी बनी रहेगी लास्ट तक। जब फावड़ा तुम इसमें चलाना होगे ना, जब एक जम का होगा फिर खोद दोगे, फावड़ा चला के देखना कितना मसल है, इसे बोलते हैं मजदूरी चलाऊंगा हम तो। और जीवाश्म कार्बन बढ़ गया, जो देसी खाद हो, देसी खाद की भी पूर्ति लगभग तने कर दी, जो मान ले इसमें जैसे ढांचा सनी जोत दी हो तो खेत भी दमदार हो गया। और बार बार वो डीजल पीजल फूकता था ना, वो जुतो ही जाता। बुआई कब की इसके लगभग? इसे परसों को बो देंगे। नहीं नहीं मतलब बरसी कब हुई थी? बरसी की इसे तो हो गए 2 महीने, इसे हमने बोई थी नवंबर की, जनवरी जनवरी में बोई थी, लेट बोई हमने बहुत ही हो। जनवरी में बहुत लेट है यार, फिर भी चढ़ी बहुत। ऐसे क्या खुराक दी इसे, चढ़ी बहुत एकदम से? इसमें एक यूरिया डाला और कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं, एक में चढ़ गई, एक यूरिया डाला बस। रोटी
चला गया पानी दे के बड़ से बीज बखरवा दिया बस, था बस। तो जोत तो कुछ लगा कुछ फर्क सभी तो नहीं आने का वैसे फर्क जुताई में लगना चाहिए ना फर्क नहीं बढ़िया मतलब सही जुत रहा तीन एरो मारी इसमें कम से कम तीन तो मारूंगा तेरा टीला लिगड़ता हो फिर से टीला काट दे मगर रोटरी जरूर काटी सुबह को दो टीला निकलवा दूंगा निकाल दूंगा अगर टीला लिगड़ते हो तो फिर टीला काट दे मगर तीन एरो लिए कम से कम अभी तीन लूंगा टीला काट के लिगड़ता हो ठीक है नहीं तो मंकी में रोटरी काट के खुद कटवा रोटरी जरूर लिए बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे नहीं तो बताऊँ ये डड़े से ना ये तेरी लेजर के आगे अड़ जाएंगे दिक्कत करेगा कहीं ना आँख में कुछ गिर लिया हाँ कुछ गिर गया चल अभी देखूँ मैं तेरी आँख का भी तो भाइयों इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी आप लोग निश्चित तौर पर करें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपने मिलने वाला है मेथा अगर ये बोलते हैं मेथा या मेंथा ये अप्रैल तक चला जाता लेट हो गया था मामला हालांकि जो किसी भी समझ सके थे बाकी खाद का बहुत अच्छा बंदोबस्त इन्होंने कर दिया और खेत भी जहाँ तक उम्मीद है जमा पम में हर तरह से नंबर लेगा दो फुट के करीब हाइट इन्होंने इसकी कर दी ठीक है भाइयों तो जितना हो सके वीडियो खींच के शेयर करियो लाइक करियो और कमेंट करियो जितने भी हो तो भाइयों इसके साथ विराम दे रहा हूँ नमस्कार।